हेलो एवरीवन, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। अब जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है 2.6। सो हमने इसके पहले तक के 2.5 तक के पूरे जो क्वेश्चन हो सकते हैं बहुत डिटेल में अपलोड कर दिए ऑलरेडी। तो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप वो वीडियोस देख लें, फिर यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और चैनल जितना हो सके हमारे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी करिए और उसे कमेंट भी करिए। तो स्टार्ट करते हैं, आज हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमारा बेसिक पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें हमको फर्स्ट जो एक्सरसाइज किया था उसके ऐसा नहीं कि एक्स एंड वाई में लेना है, जरूरत पड़े तो आप ले भी सकते हो, ऐसा कहीं इनिबिशन नहीं है। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन में आप जब देखोगे एक्स और वाई लेके भी आपके आंसर निकल जाते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि आपका जो भी मेथड फॉलो हो आपको छोटा रहना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए और एग्जाम बोर्ड एग्जाम तक आपको याद रहना चाहिए। इस तरह से आपको ये पूरे सम सॉल्व करने हैं। जनरली जैसे मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन उसी तरह है जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना गांव में, या हमारे कहीं जाते हैं एल्डर्स आते तो क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि बता अगर ये इतना है वो इतना है तो बता एंड में आंसर कितना है। तो ये उस टाइप के क्वेश्चन है। जनरली आप लोग अगर स्मार्ट हो तो एक्स एंड वाई में वैल्यू पुट करो, या एक्स में सिर्फ रखो, इक्वेशन बना और सॉल्व करके दिखाओ, तो आपका आंसर का आंसर आगा, कोई सोल्यूशन का सोल्यूशन दिखा दिया आपने। तो ये क्वेश्चन उस टाइप के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को फर्स्ट क्वेश्चन से कि प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब क्या, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। हमने ये बहुत बार किया, आप लोगों को सीधा वर्ड को मार्क करके आगे चलना है। प्रोडक्ट बोला है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, अगर सम बोलता तो प्लस है, ठीक है, टोटल बोलता तो प्लस है, और लेस बोलता, डिफरेंस बोलता, लेस बोले डिफरेंस बोले तो ये सब में माइनस जनरली आ जाता है, या मोर बोल दे तो इस तरह से हम लोग माइनस यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो प्रगत प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई करना है किसको, प्रगति एज 2 ईयर्स अगो एंड 3 ईयर्स अहेड इन दी एज 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो मतलब क्या, 2 साल पहले उसकी कुछ एज होगी, 3 साल बाद कुछ एज होगी, वो उसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 84 मिलता। मतलब समझिए आज से 2 साल पहले और फिर 3 साल आगे का जो एज होगा वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब अगर हम इसे एक्स ले लें तो इसे 2 साल पहले अगर आपके एज समझिए आज 16 है, 2 साल पहले क्या हो जाएगी 14, और आज से 3 साल बाद क्या हो गया +3 कर दोगे तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 19। मत और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके आपको आंसर मिलने वाला है 84। तो ये तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल लिया। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, चलिए। तो फिर से कंसिडरेशन नहीं करना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन कंसिडरेशन वाले हैं, हम स्लो जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय है। अगर आप लोग को लगे तो आप वीडियो 2 की स्पीड में 1.5 1.75 की स्पीड में जाके प्लेबैक की स्पीड अपनी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को आराम आराम से डील करेंगे। कि लेट आप लोग भी पेन पेंसिल निकाल लीजिए। लेट दी प्रगति प्रगति इज एज टुडे, यहाँ प्रेजेंट प्रेजेंट इक्वल्स टू एक्स, सो हर एज बिफोर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, माइनस करना है, इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, और तो हमारा हर एज आफ्टर 3 ईयर्स ये हो जाएगा एक्स प्लस 3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है, दोनों का इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है आंसर 84। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा बेसिक है। तो एक बार एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर वापस से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसी तरह से माइनस 2 को एक्स से और माइनस 2 को 3 से, इसी तरह से करते हैं हम। तो एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3, क्लियर। अब एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये प्लस 3 एक्स, ये माइनस 2 एक्स
और ये माइनस सिक्स इक्वल्स टू 84। अभी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन, और साइन जो होगा बिगर नंबर का, सो बिगर नंबर का प्लस है, सो एक्स और माइनस सिक्स माइनस 84 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं उसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो आपको अब चाहे तो आप लोग कोई भी प्रोसेस या कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जैसे कि आप लोग फैक्टराइजेशन का मेथड यूज कर सकते हो, फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज कर सकते हो, या फिर हमारा दूसरा यूज कर सकते हो स्क्वायर मेथड, या फिर आप लोग और एक थर्ड मेथड यूज करते हो फॉर्मूला मेथड। लेकिन ये सब मेथड है, लेकिन सबसे इजी कहता है फैक्टराइजेशन, जिसमें सिर्फ दो आपको रूट्स पता चल जाने चाहिए। तो हमको क्या करना, सिंपल देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था हमारे 2.2 में सॉल्व किया था, यहाँ पे 1 देखना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे देखेंगे कि दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे 90 आना चाहिए। सिंपली मेरे दिमाग में तो है वो 10 9s, और बीच में ऐड या सबट्रैक्ट करने पे ये नंबर आना चाहिए। तो 10 में से 1 हम लोग माइनस कर देंगे तो 1, 10 में से 9 माइनस कर देंगे तो 1 आ ही जाने वाला है। या तो आप ये फैक्टर्स निकाल लीजिए इस तरह से, 2 से डिवाइड करेंगे तो 45, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो हमारे फैक्टर ऐसे हम लिख लेते हैं 2 × 3 × 3 × 5। अब इनमें ये कॉम्बिनेशन बिठाते हैं, पहले ये 2 को पकड़िए, तो 2 × 3 = क्या हो जाएगा 6, और ये 3 × 5 = 15, 6 × 15 तो हमको 9 नहीं चाहिए। तो हम और कुछ पकड़ते, ये 3 को पकड़िए, इस तरह से करते रहते हैं। तो हमको मालूम है फर्स्ट और लास्ट को पकड़ के ये दोनों को छोड़ना है। तो देखिए 5 और 2 है एक, और 3 और 3 है एक। 5 × 2 = 10, 3 × 3 = 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 बीच वाला आ गया। और मल्टीप्लाई करने का टेंशन तो लेना ही नहीं हमको इसमें, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 90 ही आने वाला है। तो चलते हमारे अब क्वेश्चन की तरफ, इसे रफ कर देते हैं। यहाँ से आएगा फर्स्ट नंबर हमें मिला था प्लस 10x, और दूसरा मिला था हमें माइनस 9x माइनस 90। अब यहाँ पे से कॉमन लेना है, x कॉमन है, कोई नंबर कॉमन है ही नहीं, तो x बचा ले लिया, प्लस वहाँ 10x से हमने 10x से हमने x छीन लिया तो 10 बचा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस बाहर ले लेते हैं। अब देखते हैं कोई हमारा वेरिएबल कॉमन है, नहीं जी, वेरिएबल एक में ही है और दूसरे में नहीं है। तो हम लोग नंबर देखेंगे, नंबर किसके टेबल में आते हो, सबसे बड़ा नंबर है 9, ये दोनों 9 के टेबल में आ जाएंगे। सो 9x को 9 से डिवाइड किया तो x, अंदर का साइन चेंज क्योंकि बाहर माइनस है, और माइनस का प्लस 10, तो x प्लस 10 एक इक्वेशन, और हमारा ये दोनों को जोड़ के x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू, चलिए डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, पहले पूरा लिखता हूँ, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 10, x इक्वल्स टू 9। सो अब आपको मालूम है दोनों में से एक वैल्यू होगी, तो एज कभी भी निगेटिव होती नहीं है, एज पॉजिटिव रहती है, तो ये हमारा ध्यान रखना है। सो हम लोग लिख सकते हैं, इस कैन नॉट बी निगेटिव, not be negative because it is a age, and age is represented in the हमारा natural numbers। तो यहाँ से हम लोग start कर लेंगे। अब आप लोग लिख लोगे answer की प्रगति is present age is present age is 9, हमारा कितना आंसर है 9 years। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो बहुत इजी था। इसी तरह आपको दूसरा क्वेश्चन फॉलो करना है, चलते हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह से हमें सब सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, कुछ टफ है नहीं इसमें, आपको इक्वेशन बनाना है फिर उसके बाद सॉल्व करते जाना है। जनरली अच्छा एक क्या रहता है इसमें, जनरली आपको ना जो लोअर वैल्यू वही उसी को x कंसीडर करना होता है,
आप हाई वैल्यू को एक्स नहीं कंसीडर करते, इसका मतलब कि हम आगे आएंगे तो मैं बताते जाऊंगा कि सम ऑफ, देखिए सम आ गया सेकंड क्वेश्चन, सम मतलब एडिशन करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब दोनों का स्क्वायर करना है, टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, नेचुरल इवन नंबर्स, जो नेचुरल हो और इवन नंबर्स हो, इज 244, फाइंड द नंबर्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं तो पहले क्या होगा, वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है। दूसरा चीज क्या बोलता है, कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, 1, 2, 3, 4, 5, ये कॉन्जिक्यूटिव है एक के बाद एक, या तो मैं सिर्फ इवन नंबर लू, सो 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें +2 +2 ऐड होती जाता है, तो कॉन्जिक्यूटिव इसी तरह से रहते हैं। या ऑड लू, तो अगर फर्स्ट ऑड लिया तो उसमें +2 कर दू, मुझे फिर से ऑड मिला, +2 फिर कर दूं, फिर से ऑड मिलेगा, 5 मिल जाएगा, +2 फिर से कर दूं, फिर से मुझे ऑड मिल जाएगा, फिर +2 कर दूं, फिर ऑड मिल जाएगा, इस तरह से मैं अगर सिर्फ +2 +2 करते रहूं मुझे ऑड नंबर मिल जाएगा। तो लेट इसी तरह से हमारा करते हैं कि लेट दैट नेचुरल इवन नंबर बी बी एक्स, सो उसके बाद का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, इवन नंबर, इवन नंबर विल बी क्या हो जाएगा, उसमें सिर्फ +2 करना है, जैसे कि 2 के बाद हमें नेक्स्ट क्या होगा, 4 होगा, फिर तो उसके बाद क्या होगा, 6 होगा, लेकिन इसमें सिर्फ क्या करना है, +2, तो इसलिए विल बी एक्स प्लस टू। अब क्या बोलता है, दोनों का जो सम है लेकिन किसका, स्क्वायर का, देखिए क्वेश्चन ध्यान से, स्क्वायर का, तो स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर सीधा, स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर, ध्यान रखना इसमें पूरे का होल स्क्वायर करना, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस टू मत लिख देना। अब क्या बोलता है, दोनों को ऐड करने पे आपको 244 मिलता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 244। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो लोग जनरली एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख देते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख देते हैं, ये गलत है। आपको ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला फॉलो करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर माइनस रहता है तो यहाँ पे हमारा सिर्फ माइनस लग जाता है, ठीक है, तो इस तरह से इसे सॉल्व करना, तो एक्स स्क्वायर में कुछ चेंज नहीं आएगा। अब इक्वेशन का कलर थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2 × x, पहला 2 × a क्या हमारा x, × b क्या है 2, प्लस सेकेंड का स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 244 है। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका एक्स स्क्वायर ही होगा, 2 × 2 = 4x + 4 इज इक्वल टू 244। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए सेम वाले हैं, हमने बोला था कि जनरली जो बोले ना, हॉर्स की शादी हॉर्स से होती है, आदमी की आदमी से, घोड़े की घोड़े से होती है, गधे गधे से, तो एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रिलेशन होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का, 4x के साथ रिलेशन मत करना कभी, और 4x वाले का रिलेशन सिर्फ नंबर वाले से नहीं होगा, नंबर वाले का रिलेशन, ये नंबर वाले का रिलेशन नंबर वाले से होगा, ये देखिए, ठीक है, आपको याद रखना है, पार्टनर किसका नहीं मिलेगा, 4x को नहीं मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर एड, बीच में प्लस दिख रहा है, तो 2x² हो जाएगा, प्लस 4x कोई पार्टनर नहीं है तो 4x रहेगा, प्लस 4 को लिख के -244 को इस साइड लेके आ जाऊंगा, क्योंकि वहां पे प्लस था। सॉल्व करते हैं इसे थोड़ा सा, सॉल्व करते
2x square प्लस 4x माइनस 240 हो जाएगा कि नहीं, प्लस माइनस माइनस जाते हैं और साइन आएगा बिगर नंबर का। देखिए ना ये इक्वेशन बहुत बड़ा है, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसे डिवाइड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पे हमें और ऐड करने पे, मल्टीप्लीकेशन करने 120 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस 2 है, तो वो नंबर है 12 एंड 10। तो मुझे डायरेक्टली पता है आप लोग हमारा 2.2 वाला मेथड फॉलो कर सकते हो, जाके वो वीडियो देखिए कैसे करना था। मैं चाहे तो फैक्टर भी निकाल सकता हूँ लेकिन लेक्चर हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 240 120। अब लाइन खींच लेंगे, देखेंगे हमारा x वेरिएबल कॉमन है तो x निकाल, कोई नंबर कॉमन है नहीं तो बचा सिर्फ x, फिर प्लस, फिर 12, फिर देखेंगे यहाँ पे माइनस तो माइनस लिखेंगे यहाँ से सीधा। माइनस क्या होता है, सबसे खतरनाक साइन ऑफ दी मैथ्स होता है, आधी जिंदगी इसी में खराब हो जाती है हमारी सबकी, क्योंकि ये क्या करता आता है तो सबको बदल के चला जाता है, तो अब अंदर का साइन चेंज होगा। और देखेंगे कोई नंबर कॉमन है या वेरिएबल कॉमन है, यहाँ नंबर कॉमन है, कौन सा नंबर, 10 दोनों के टेबल में आएगा, दोनों हमारे 120 के भी और 10 के भी। अंदर क्या बचेगा, पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे माइनस 10x का पॉजिटिव प्लस x हो गया और प्लस 12 बचेगा। अब लिख लेंगे इसे x प्लस 12 और एक साथ x माइनस 10 को लिख लेंगे। अब इसमें से एक जो होगा x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 होगा और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 होगा, सो x इक्वल्स टू माइनस 12 और x इक्वल्स टू 10 होगा, आपको आंसर मिल गया है। अब देखिए ये माइनस जो हमारा है ये माइनस में, तो माइनस कभी भी नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है, ये है। तो बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं पीछे से आंसर देखते हैं, बोलते हैं सर एक 12 आया है और एक 10 आया, ये हमारा माइनस में आ गया, यहाँ पे प्लस दिया, कैसे आया कैसे आया। आप लोग भी सेम हमेशा क्वेश्चन करते हो ये डाउट के अक्रॉस आओगे ही कैसे भी करके, क्या बोला उसने, ये हमारा एक्स की वैल्यू 10 होगी बिकॉज, लिख लेंगे इसे और देखिए 12 कैसे आएगा, बिकॉज एक्स इज अ नेचुरल नंबर, हेंस एक्स इक्वल्स टू 10 इज द सॉल्यूशन। पेज को ऊपर कर लेता हूं थोड़ा, एंड नॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस 10। सो सेकेंड नंबर यहां से आपका क्या हो जाएगा, आपने कंसीडर क्या किया था, देखिए यहां से सेकेंड नंबर आपने कंसीडर किया था x प्लस 2, तो आपका सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाएगा x प्लस 2 दैट इज 10 प्लस 2 दैट इज 12। इस तरह से आपको 12 आता है, वो इस वाले को आपको नहीं भूलता कि ये आपका आंसर है, ठीक है, आपको ये बात का ध्यान रखना है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर माधुसूदन देर आर 150 ऑरेंज ट्री, चलिए 150 ऑरेंज ट्री हैं। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज, ईच रो में 5 है, मोर देन 5, अच्छा 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट, ठीक है। चार्ट में पहले आप समझ लीजिए डायग्राम कैसे, समझिए अगर ये कॉलम है ऐसे, ये कॉलम में ऐसे पेड़ लगाया है उन्होंने, यहाँ पे एक ट्री प्लांट किया है, ग्रीन से दिखा देता हूँ, यहाँ से एक प्लांट किया, यहाँ से एक प्लांट किया, यहाँ एक प्लांट किया, यहाँ एक प्लांट किया, ऐसे प्लांट किया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हर एक कॉलम में इस तरह से प्लांट किया है, इस तरह से हमारा कॉलम है और हर एक कॉलम में हमारे प्लांट्स हैं। अब क्या बोलते हैं, वो रो भी हैं हमारे,
देखिए यहाँ पे ट्रीज इन ईच रो इज फाइव मोर देन ईच कॉलम, तो ऐसे हमारे अगर रो में हम जाएं तो ऐसे रो वाइज जाएंगे तो ट्रीज के नंबर वहां पे पांच ज्यादा हैं जितने यहाँ पे, अगर समझिए यहाँ पे सिर्फ हमारे पांच हैं तो यहाँ पे ऐसे 10 ट्री प्लांट करेंगे, 10, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 2 5, 3 2 5 10, तो ऐसे हैं। तो रो में जो है हमारे जो हॉरिजॉन्टल है उसमें ट्रीज के नंबर ज्यादा हैं और हमारे वर्टिकल में ट्रीज के नंबर कम है, सिंपल सी बात है। अब आप कैसे करोगे, टोटल नंबर कैसे निकालते हो, तो आप लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा टोटल रहता है जितने नंबर ऑफ ट्री यहाँ पे हैं और जितने नंबर ऑफ ट्री यहाँ पे हैं, ट्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको आंसर दिख रहा होगा, अगर 150 टोटल है, पांच पांच ज्यादा होना चाहिए, तो मैंने ड्रॉ ही कर, लगता है मैंने सोल्यूशन ही बना दिया। हाँ ऐसे पांच होंगे फिर तो ऐसे 10 हो जाने चाहिए हमारे, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज होगा, अगर 10 है या तो फिर देखते हैं फिर 15 हो जाना चाहिए, या हमारा फिर अगर ये 20 है तो ये 25 हो जाना चाहिए रो का, तो इस तरह से हमारा आंसर होगा। देखते हैं, चेक करते हैं, इसे ऐसे नहीं कर सकते, क्लियर करते हैं इसे। अब लेट, अच्छा यहाँ पे हम लोग को बॉक्स के हिसाब से लेना है, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम में एक्स लिया है, ठीक है, और नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो क्या बोला था, 5 मोर है, तो x+5 है, 5 ज्यादा है रो में। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है, 150। अब हमें नंबर ऑफ कॉलम अब ये पता करना है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, सो जब मैं रो के जो ये मेरा कॉलम का है सॉरी, और फिर रो के x+y को मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिल जाएंगे 150। अब मल्टीप्लाई करना है एक्स पे, एक्स से एक्स को 5 से, तो x(x+x)(5) = 150। सो x(x)x²+x(5) = 150। सो या इसे यहाँ ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, स्लो करते हैं आराम से, कोई घाई नहीं है, घाई करेंगे आप लोग जब आप लोग एक बार माहिर हो जाएंगे, नो नीड टू रश। आपको जो नंबर फिर से खोजने, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 150 आए और जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे, मुझे नंबर मिल चुके हैं 15 एंड 10, तो 15 10 150 होता है, और 15 में से 10 माइनस कर देंगे तो 5 मिल जाएगा। देखेंगे x² + 15 क्यों रखूंगा, 15 को पॉजिटिव साइन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन चाहिए, तो यहाँ पे -10x कर देंगे, -150 = 0, जोड़ी बना लेंगे यहाँ पे 15 माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है हमको, नंबर दिख रहा है, तो 10 बाहर लिखेंगे, 10 के टेबल में दोनों आते हैं, अब माइनस बाहर तो अंदर का साइन चेंज जाएगा, तो ये पॉजिटिव एक्स प्लस 150 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, कोई घाई नहीं, आराम से करते रहेंगे हम लोग, x+15 और एक बार x-10 = 0, तो x+15 = 0 हो सकता है और x-10 = 0, तो x-15 और x = 10। अब हमको मालूम है पेड़ की संख्या निगेटिव में थोड़ी होती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है, ये हमारा सोल्यूशन है। अब बच्चे फिर यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन के सर, यहाँ पे फिर -15 है, तो ये आंसर नहीं होता, आंसर दूसरी तरीके से निकलता है। सो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम का था ना ये, is equals to 10, सो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो में क्या हो जाएगा हमारा, x+5 दैट इज 10+5 = 15, इस तरह से 15 आता है हमारा, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारा ये सोल्यूशन भी हो गया कंप्लीट, इसे फिल कर देते हैं हमारा, नंबर ऑफ ट्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये x x + 5 = 150 हो जाएगा। फाइंड द एक्स, तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो ये आया था हमारा 10। नंबर ऑफ ट्री इन कॉलम इज
अपना क्या हो जाता है यहाँ पे 10 एंड रो इज 15। तो इस तरह से आप सेंसिबली अपने पूरे जो बॉक्सेज हैं उनको भर लेते हो। तो हमने तीन क्वेश्चन कर लिए, इसके बाद के ऑलरेडी हम लोग जो क्वेश्चन है हम लोग आगे करेंगे। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, रिवाइज करिए, जब ये हो जाए तो फिर हम साथ में आएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब पुराने हमारे जो क्वेश्चन हो गए उसे भी रिवाइज करिए, अपने दोस्तों में जितना हो सके इसे फैलाइए। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में इसे बांटिए और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।